हमारे लिए आज की जब वो यरू के नजदीक आया तो एक कंधार किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है उसे बताया गया कि यस्सु नासरी जा रहा है उसने चिल्लाकर कहा है दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे मगर वो और भी चलाया दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर तब यसु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा आई को दिए कि मैं देखने लगू यसु ने उससे कहा तू बीना हो जा तेरे ईमान ने तुझे बचाया है और उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देख कर खुदा की हम की पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदा शुक्र हो मेरे सामाइन आज की और पाक पाको पर ध्यान के लिए मैं फादर याकूब यूसुफ आज सेंट जोजफ कैथलिक चर्च जोसफाबाद फैसलाबाद आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ आज मर रखा चौदह नवम्बर दो तो हज़ार बाईस बरोज संवार है आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब से ली गई है जिसमें मुखदस जहन्ना रसूल को मुकाशफा दिया जाता है और जो इल्हाम उसे दिया गया है उसमें नबूद के कलाम को पढ़कर सुनाने और सुनने वालों और उस अमल करने वालों के लिए मुबारकबादियों और बरक़ात का तस्करा है निसाद साध के लिए ख़ास पैगाम भेजा गया है कि खुदाउंद खुदा उनकी मुशक्क़त और कुर्बानियों मेहनतों और सबर्स और तकलीफ़ों से आगा है पर उसे कलेसिया से एक शिकवा है और शिकवा ये है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है अज़ीज़ मोमिन पहली सी मोहब्बत शुरू शुरू की मोहब्बत और ताज़ा मोहब्बत का लुत्फ़ बेमसाल होता है खुदाउंद खुदा का कलीसिया से तकाज़ा है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है वो पहली सी मोहब्बत मांगता है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग आज के इंजिले अंजिले पार्क में अंजली इकतबास बड़ा दिलचस्प वाक़ा को बयान करता है। यरूशलम के नबीना की बेनाई का मुआवज़ा बयान किया गया है और ये के नबीना बर्तमाई यु से यरूशलम जाने वाली सड़क के किनारे बैठा भीख मांगता था कि वो हजूम के गुजरने की आवाज़ को सुनता है शोर वुल होता सुनता है और द्रियाफत करता है कि क्या हो रहा है और उसे मालूम पड़ता है कि यस्सु नासरी जा रहा है वो फ़ौर पुकार उठता है ऐ यसु दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर और उसे झिड़का जाता है रोका जाता है मगर वो और भी जोर से पुकारता है और कहता है अयसु दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर वो रहम की अपील करता जाता है हती कि यस्मसी उसकी आवाज़ सुनकर उसे पास बुलाते हैं और सवाल करते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ बस वो ना दौलत मांगता है ना लंबी उम्र चाहता है ना ऐशोशरत एश, मांगता है बस मांगता है बिनाई कि मैं बीना हो जाऊँ रहम करता है और उसकी मुराद पूरी कर देता है और वो बिना हो जाता है यसु कहते जा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया यरु के ने की अपील और दुआ एक ज़बरदस्त मॉडल है ईमानदारों के लिए और उन लोगों के लिए जिनमें कमी खामी और जिनको ज़रूरत है रुकावटों और मखालतों के बावजूद वो दुआ जारी रखता है रहम मांगता है हजूम के शोरगुल गुल के बावजूद वो रहम मांगता है डांट डपट के बावजूद वो रहम मांगने से बाज नहीं आता और कहता है यसु दौद के बेटे मुझ पर रहम कर हर ईमानदार को इतमाद भरोसे और यकीन के साथ खुदा उनको पुकारना चाहिए जब तक वो तवज्जो करके रहम ना कर दे रहम मांगना चाहिए दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर और जो भी शख्स ईमान के साथ रहम की अपील करेगा खुदाद उसकी तरफ रजू फरमाता है और उससे पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं तू क्या चाहता है और जो हलीमी और फ्रोतनी से यु के नबी कितने अपनी कमी और ख़ामी यसु के सामने रखता है वो बीना हो जाता है वो सब दिल की मुरादें पाता है और जो चाहता है ख़ुदा उनसे देता है हमें अपनी कमज़ोरी और ख़ामियों उसके सामने हलीमी और फ्रोतनी से रखना चाहिए वो सुनता और ईमानदार को अता करता है आज की पाक जील का यही इकतवास है कि ये सुनसी हमसे वो पहली मोहब्बत मांगता है जो वो खुद हमसे आखिर तक करता है वो वफादार रहता है हम बेवफा हो जाते हैं आइए अपनी कमजोरियां खामियां उसके सामने रखते हुए यह रुकन बीने की तरह उसे पुकारें तो वो हम रहम कर वो हम पर रहम करने में कादर है आज की सुबह खुदांद की ताज़ा का मसा आपको मामूर करे आपकी सार सारी नेक मुरादें पूरी करें मसीह खुदा उनके वसीले से आमीन